नमस्कार, आप सभी को हम आज बताने वाले हैं कि सेटलमेंट आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, वे भी ऑनलाइन से। क्योंकि हम लोग लोकसेवा केंद्र वाले हैं तो हम लोग को हमें पता रहता है किस प्रकार से हमें जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कौन कौन सा किस प्रकार से कहाँ से हमें क्या मिलता है, सेटलमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। और हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि हमें बीओन भी किस प्रकार से डाउनलोड करना है, उसका भी सभी चीज के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे पूरी दस्तावेज जो हमें आपको जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेज लगता है, वे दस्तावेज कहाँ कहाँ मिलता है, किस प्रकार से आपको मिलेगा, वे सभी जानकारी आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेज कहाँ कहाँ से हमें आपको जुगाड़ करना पड़ता है, या जुगाड़ नहीं, आपको खोजना पड़ता है। और वह भी है सेटलमेंट हमें आपको लगता है कौन सा सन का लगता है। सन यानी कि आपका सेटलमेंट एसटी के लिए बता देना चाहता हूं या ओबीसी के लिए, दोनों के लिए बता देना चाहता हूं। एसटी के लिए आपको 1950 का हमें सेटलमेंट लगेगा। 1950 आपको पता होगा, 1950 जो आपके पूर्वज के दादा हने लोग हने वहां पे, या बाबा लोग वहां पे हने, आपके पिताजी के हने जो जमीन थे वे सेटलमेंट लगता है, तभी आपका हने वहां पे हने जाति प्रमाण पत्र बनता है। और बिना सेटलमेंट के भी बनता है, लेकिन उसका किस प्रकार से बनता है उसका भी हमें इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं सबका, ठीक है। 1950 एसटी का लगता है। ओबीसी का आपको 1982-83 का सेटलमेंट लगता है, उसके बाद हमें बनता है वहां पे हमें, ठीक। अब हमें यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किस चीज का नहीं रहता है सेटलमेंट, उसका भी बनता है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, वही पूरे दस्तावेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दिख जाएगा कि कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, वो कहाँ मिलता है, उसके बारे में बताएंगे। तो दस्तावेज आपका चलिए बता देते हैं, यहाँ पर भी हमें कौन कौन सा दस्तावेज लगता है। वर्तमान बीवन लगता है, दो आधार कार्ड लगता है आपका और आपके पिताजी का, दो मार्कशीट लगेगा आपके, वो भी हमें आपका होना चाहिए, बोर्ड का होना चाहिए, यानी कि पांचवी आठवीं ये दो हो सकता है, या हमें आपका दसवीं बारहवीं ये हो सकता है, ये मार्कशीट आपको लगाना है। उसके बाद आपका हमें जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आपको जो लोक सेवा केंद्र में आपको फॉर्म मिल जाएगा उसको हमें भरना पड़ेगा। उसमें आपको हमें स्टाम्प वगैरह या नोटरी वगैरह पहले के जैसा करवाना नहीं पड़ता है, अब बिना नोटरी के आपको उस हमें फॉर्म में जो है सरपंच का और पटवारी का हमें सिग्नेचर होना चाहिए, उसका फॉर्म हमें कम्प्लीट होना चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ नहीं भरना है आपको, छोटा छोटा भरना है, वे भी हमें लोक सेवा केंद्र वाले बता देंगे किस प्रकार से भरना है, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमें कंफ्यूजन टाइप से ही भरने के लिए रहता है, ठीक। अब यहाँ पे सेटलमेंट मुख्य बात होता है कि सेटलमेंट हमें आपको खोजना पड़ता है, वह भी आपके पास सेटलमेंट नहीं है तो किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं बीवन। बीवन आपको ऑनलाइन मिल जाता है, यदि आपका ऑनलाइन बीवन हो गया है या आपका किस पर निकलता है, तो इसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है कि बीवन आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें बीवन निकाल सकता है, डाउनलोड किस प्रकार से करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब बात करते हैं मुख्य जो भाग है हम लोग का, सेटलमेंट। सेटलमेंट आपको मिलना हमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास लोक सेवा केंद्र रहता है, लोक सेवा केंद्र की आईडी, जो जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाता है उसके पास ही रहता है सेटलमेंट, ठीक। और वो भी सेटलमेंट हमें कुछ दिन के बाद हम लोग को भी मिलता है। तो जैसे मैं अभी नया हमने लिया हूँ लोक सेवा केंद्र का आईडी, यहाँ पे मैं जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाता हूँ, और तो मेरे को पता है कौन सा सन कहाँ सेटलमेंट लगता है, मेरे को भी अभी तक हमें सेटलमेंट नहीं मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेटलमेंट आपको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं मिलता है, वे ऑफलाइन रहता है, वे भी हमें आपको आपके तहसील के साइड से ही या जिला के साइड से ही एक पीडीएफ मिलता है, अपने ग्राम का पीडीएफ मिलेगा या आपके दूसरे ग्राम का पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ के अंदर ही सेटलमेंट रहता है। तो उसको किस प्रकार से खोजना है वे हमें लोक सेवा केंद्र वाले को ही पता रहता है, ये ऑनलाइन सेटलमेंट नहीं मिलता है। आप वीडियो यूट्यूब में कितना भी सर्च मारिएगा कि सेटलमेंट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, सेटलमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। सेटलमेंट लोक सेवा केंद्र के पास ही रहता है, या आपके तहसील में जाएंगे तो मिलेगा आपके पूर्वजों का सेटलमेंट, ठीक। तो यहां से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि हम लोग ऑनलाइन सेटलमेंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। यह ऑफलाइन रहता है, वे भी पीडीएफ के तरह मिला रहता है। आपको यदि चाहिए लोक सेवा केंद्र में फोन करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, वहां जाना पड़ेगा, उसके लिए जो फीस लगता है वे देना पड़ेगा, उसके बाद ही वहां पे सेटलमेंट आपका आपको क्लियर पता चल गया होगा। और हमें यहाँ पे आप बात करते हैं मुख्य जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवास और जाति, निवास और आय आपका बन जाएगा फ्रेंड, यदि आपके पास बीवन है और बीवन और सेटलमेंट नहीं है तो जाति बनाने के लिए आपको दिक्कत होता है, वे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जाति बनाने प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास सेटलमेंट नहीं है तो भी आपका जाति आय निवास बनता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रस्ताव जारी कराना पड़ता है, वे भी प्रस्ताव आपका सचिव या सरपंच के द्वारा प्रस्ताव जारी किया जाता है कि आपके पूर्वजों के पास जमीन नहीं था या उसका सेटलमेंट नहीं है तो इसका जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो उस प्रकार से कुछ प्रस्ताव लिखा रहता है, उस प्रस्ताव को सेटलमेंट के जगह हम लोक सेवा केंद्र वाले अपलोड करते हैं
तो वहां पे हने तहसील से हने आपका मतलब कि हने ऑनलाइन हने बन जाता है, तहसील वाले उसको अप्रूवल कर देते हैं और आपका जाति बन जाता है। वो भी मेरे को लगता है, मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ किसी का भी प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन मेरे को लगता है वे अस्थायी बनता है, 6 महीना के लिए ही बनता है। जिसका पूर्वजों का जमीन है, पूर्वजों का सेटलमेंट है, उसका ही स्थायी जाति बनता है। तो आई होप कि फ्रेंड की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो दिल से लाइक करना। और हाँ फ्रेंड, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं और वे आपको सबसे पहले मिलेंगे। वंदे मातरम।